आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खीर, जिसे बनने में बहुत ही ज्यादा समय नहीं लगता है। कोई भी व्रत में हम इसे बना करके झटपट से खा सकते हैं। तो फिर चलिए आज की सुपर हेल्दी डेजर्ट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि देशवाल, जिसका नाम आपका बहुत बहुत स्वागत है। साबूदाने की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए ये छोटे वाले साबूदाने, जिससे खीर जो है बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। तो इसे हम दो तीन बार पहले वॉश कर लेंगे। देन हम गैस पे एक पैन गरम करेंगे, उसमें ऐड करेंगे चम्मच घी। घी को मेल्ट हो जाने देंगे, देन हम साबूदाने को बस एक दो मिनट के लिए चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क को यहाँ पे मैंने बॉईल करके ली है। ज्यादातर कोशिश करें कि बॉईल किया हुआ मिल्क ही लें। कभी कभी क्या होता है कि रो मिल्क डालने से ना खीर जो है फट जाता है। तो इसी तरह से चलाते हुए हम साबूदाने को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मिल्क जो है गाढ़ा हो चुका है, साबूदाने ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ और मिल्क। खीर की कंसिस्टेंसी आपको कितना गाढ़ा पसंद है, उस हिसाब से आप यहाँ पे मिल्क ऐड कर सकते हैं। ये देखिए साबूदाना यहाँ पे एकदम से ट्रांसपेरेंट सा हो गया है, साबूदाना यहाँ पे अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे चीनी। वैसे तो आप चीनी स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1/3 कप चीनी ली है। अच्छी तरह से मिक्स करके हम खीर को दूसरे चूल्हे पे चढ़ाएंगे। अब हम और एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। अब हम गैस की फ्लेम को लो करके कैरमल बनाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन सा। जब इस तरह से कलर आ जाए, थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे। कैरमल डालने से खीर में बहुत ही बढ़िया कलर भी आता है और टेस्ट भी। कैरमल यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसे डालेंगे खीर में। साथ ही ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रश किया हुआ काजू एंड बादाम, लेकिन ये ऑप्शनल है। इसी स्टेज पे हम गैस को ऑफ करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये साबूदाने की खीर जो है और गाढ़ी हो जाएगी। ये हमारी साबूदाने की खीर यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये साबूदाने की खीर आप घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।